किया है। ये लोग यहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं, जिसके पत्थर निकालने के लिए जो है ना ब्लास्टिंग कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। बारह इनको मना करने के बावजूद जो है ना ये बाज नहीं आ रहे इस चीज़ से। तो काइंडली हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारे मकानात डैमेज हो रहे हैं, पहली बात तो ये उसका जो मकानात का जो नुकसान है उसका ज़ाला की जाए। दूसरा जो है ना फिल फौर पर ऐसी साहब से दरख्वास्त है हमारी डीपीओ साहब से, एसएचओ थाना बालाकोट से दरख्वास्त है कि इनको फौरी तौर पर जो है दरख्वास है कि ये जरा काम हो गया, मतलब है बचे ये पत्थर असा घर में तो आकर लगे, लिहाजा इस ब्लास्टिंग वाले काम को जो है ख़त्म किए जो है, और मतलब है असा को ताफत देते जो है असा जो नुकसान हो मतलब पहले जलजले दे मारे थे और पिछुआन मतलब ठेकेदार अस्ती मतलब सिरा ते मुसरत हो गए ते असते बच्चों को राती मतलब राती सो भी नहीं गए, अस्ते एक मजदूर बचे मतलब वो उससे सिरा पे पत्थर लगे उस मतलब जिंदगी पे पेशाब चरपाई तरने की उस पेशाब ही नहीं रुकता वो टहदे मतलब उस उसको कद कुछ हो गया फिर सारे महले को थ्रो अगला सा बस सीधी गल दसा कि असों को जोड़ा है तो जानू माल का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह तो ब्लास्टिंग की वजह तो काफ़ी नुकसान हो डैमेज हो कार डैमेज हो दराना पे गई बस असं यही है इल्तजा इंतजामिया अगर भी सारे अगर भी तो इस कामों को बंद किया जो है अगर बंद नहीं करते कोई लीज हो कोई मामला हो आपे तो असों को जोड़ा है तो अस्त जाइया का अस्त मकाना का मुआवजा देता है जुले जिसकी वजह तो असी साइड तो हो जुला था बाकी जो मामला कर दें तो वो अपनी मर्जी ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका चौधरी मौलादात मीर, आज भी मौजूद हूँ तहसील बालाकोट के अंदर। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ी है और बालाकोट के अंदर यहाँ ब्लास्टिंग की जाती है, इसके साथ ही तकरीबन 50 मीटर पर जो है वो घर आबादी पूरी आबादी वाकई है। यहाँ पर जो है पत्थर निकाला जाता है, यहाँ पे लोकल कंपनी जो है यहाँ पे ली लोकल कंपनी जो है ना यहाँ पे पत्थर निकाल रही है और यहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है। क्योंकि आपको माजी पता है कि बालाकोट जो है ये जजरा जदगान का इलाका है और यहाँ पूरे पहाड़ जो है वो डैमेज हो चुके हैं, यहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है जिसके साथ ही आबादी है और ये गैर कानूनी ब्लास्टिंग की जाती है। यहाँ जो मुल्का अदारे हैं ऐसी तहसील बालाकोट और डिस्ट्रिक्ट मानसरा डीसी से यहाँ आवाम अपील करती है यहाँ ब्लास्टिंग को रोका जाए और यहाँ जो यहाँ पर पत्थर निकाला जाता है ये किस बना पर निकाला जाता है। क्योंकि बालाकोट जो तहसील के अंदर जो पहले जजला जदगार और यहाँ पे पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हले वो यहाँ पे कोई भी ब्लास्टिंग की जाती है जिससे मुल्का जो साथ ही आबादी है वो जो है आबादी को भी खतरा लाहक होता है और यहाँ पे जो आबादी के अंदर जो ख्वातीन हजरात और जो बच्चे हैं वो भी इससे बड़े मुतासर होते हैं। हमारे साथ मकामी अफराद मौजूद हैं, आइए किससे जानते हैं कि ये ब्लास्टिंग की वजह से क्या क्या इनको नुकसान हुआ और उनकी किस तरह ये मुतासर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, कल मैंने इनको जो है ना ठेकेदार को कुछ दिन पहले भी इसको वार्न किया था कि यहाँ पे जो है इल्लीगल आप ब्लास्टिंग ना करें, पास में करीबी घर हैं इसके, तो वो जो टाल मटोल से काम ले रहे थे कल उन्होंने इतनी है। मैं एसी साहब के पास गया था, उनको मैंने एप्लीकेशन की थी, एसएचओ साहब को उन्होंने जो है रेफ़र किया, उन्होंने इस इलाके का विज़िट करना था लेकिन उससे पहले जो है ना इन्होंने ब्लास्टिंग की है कि जिसके पत्थर जाके जो है बिल्कुल करके जो है ना छतों पे लगे हैं। मेरा एक मज़ूर भाई है जो मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है, उसके सर पर जो है चोट लगी है इसकी वजह से रात भर जो है वो सो नहीं सके, उसके वो नेहरों का पेशेंट है, ठीक है, तो इसके मना करने के बावजूद बार बार जो है ना इसको बात को सुन नहीं रहे ठेकेदार लोग जो हैं बस टाल मटोल से काम करें, आगे से बदमाशी जो है ना बदमाशी की तरह जो है ना बात करते हैं हमसे। फिर वो इस जो ब्लास्ट यहाँ पे पत्थर निकाल रहे हैं इसकी लीज पर है या नहीं? लोकल जो है लोकल सतह पर स्टाम लिया हुआ है, बाकी लीज का हमें कुछ नहीं पता, ज़राए यही कहते हैं कि जो इलीगल काम किया हुआ इन लोगों ने। तो ये ब्लास्टिंग की जाती है, ब्लास्टिंग इसके अप्रूवल के साथ ही आबादी है, ब्लास्टिंग तो गैर कानूनी है। ब्लास्ट से पहले किसी किस्म का वार्निंग करते हैं, बस गाड़ियां रोक के जो है ना ब्लास्ट करते हैं जिससे जो है ना मकामी जो है मकान जो है वो क्रैक हो रहे हैं सारे, रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहे। कल जो उन्होंने ब्लास्ट किया बहुत ज़ोर का किया है ना, ठीक है, उसकी वजह से जो मकान भी डैमेज हुए, बच्चे बाहर खेल रहे थे, शुक्र अल्लाह का ये है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इनको। तो मकानात को नुकसान हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल मकानात जो है क्रैक हुए हैं इससे, आपने उसका विज़िट किया है? बिल्कुल अभी अजी नाजरीन हमने विज़िट किया है यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की वजह से मकानात यहाँ पे डैमेज हुए हैं, उनको भी क्रैकिंग आई है और की छतों पे भी क्रैकिंग आई है, छत भी जो वो भी डैमेज हुआ है क्योंकि ज़्यादा जदगान का इलाका है यहाँ पे, जो ज़्यादातर लोग शेल्टरों में लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरा ये कि वो बालाकोट जो है ये टूरिज्म के हवाले से खूबसूरत इलाका है, एक तरफ इमरान खान जो है वो मिलियन सुनामी ट्री के हवाले से बात करते हैं, यहाँ पे दरख्तों की बहुत बड़ी बेदरेक कटाई हो जाती है, यहाँ में एक पर जंगलात की तरफ से कोई भी इनको रोका नहीं जाता, यहाँ पे जंगलात को भी नुकसान पहुँचाए जाते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको भी नुकसान पहुँचाए जाते हैं, पहाड़ों को जो है वो ब्लास्टिंग करके इनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और ये ब्लास्टिंग जो दूसरा ये एक आबादी वाले इलाके में ब्लास्टिंग होनी नहीं चाहिए, ये गैर कानूनी है और ये ब्लास्टिंग का ऐसी बालाकोट और डीसी मानसरा या मुल्का अदारे बता सकते हैं कि इसका क्या है? जलजले की वजह से जो है ना पहाड़ पहले से डैमेज होते हैं, ये
तो ये अभी जो जैसे ये ब्लास्ट कर रहे हैं तो ये कल को जो है ना सारे पहाड़ जो है ना आबादी पे गिरेंगे, तो लिहाजा इससे हमारी एसी साहब से डीपीओ साहब से सबसे दरख्वास्त है कि इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना फौरी तौर पे बंद किया जाए इसको। अजी नाजरीन, मुल्क जो आबादी जहाँ ब्लास्टिंग की जाती है यहाँ मकान को नुकसान है, ज़्यादा ज़दगान से पहले यहाँ पर मकान को जो है वो डैमेज हुए हैं। यहाँ लोगों का जो है एसी बालाकोट, डीसी मानसरा और मुल्क अदारों से ये अपील करते हैं इन ब्लास्टिंग को रोका जाए और एक कानूनी प्रोसेस के तहत यहाँ पर अगर काम होता है तो कानूनी प्रोसेस किया जाए और यहाँ के जो आबादी है उसको बिल्कुल भी नुकसान जिससे न पहुँचे। पहले जो है यहाँ के ज़्यादा ज़दगान की वजह से मकान डैमेज है और यहाँ आबादी जो मुतासर हो चुकी है। चौधरी मुदाजी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।